Hello everyone and welcome back to my channel. This is Srishti again in Goa. Yeah, मैं दूसरी बार गोवा आ रही हूँ and as you see, I am on Tito's lane. ये lane night life के लिए बहुत ज़्यादा famous है. अगर आप गोवा आ रहे हो और अगर आपने ये lane miss कर दी तो आपको गोवा आने का कोई फ़ायदा नहीं है. Currently मैं Tito's lane पे हूँ. आप देखेंगे it is always crowded. आप किसी भी time पे आ जाओ, दिन में, शाम को, रात को, हमेशा crowded रहेगी. But आपको अगर actually enjoy करना है तो मैं कहूँगी कि आप यहाँ पे रात को आओ, क्योंकि इसकी जो नाइट लाइफ है वैसी नाइट लाइफ आपको कहीं और नहीं मिलेगी. जो भी क्लब्स हैं, टीटोज, मैम्बो, जो फेमस क्लब हैं गोवा के, वो इसी लेन पे हैं और बहुत सारे कैफेटेरियाज हैं अराउंड. और ये हमेशा, जैसे कि आप देख, जब से मैं चल रही हूँ तब से ये क्राउडेड है और ये हमेशा ही ऐसे ही रहने वाली है. अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा कम क्राउड मिल जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है. यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइक आपको हैंडीक्राफ्ट मिल जाएंगे दैट नो वन केयर्स टू बाय, बट या ये आपको गोवा में काफ़ी जगह पर मिलेंगे और इस लेन पर ही मिलेंगे. और टैटू स्टूडियो, ये भी आपको गोवा के हर जगह पर मिलने वाले हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैटू बनवाने में तो गोवा कैन बी यू नो अ प्लेस दैट यू कैन कंसिडर. सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कैफेटेरिया हैं लाइन बाय लाइन. इट्स लाइक कि लेफ्ट लाइन लेन पे जो है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, गॉगल्स हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. और वहीं पे राइट साइड पे सारे के सारे खाने का सामान है, कैफेटेरियाज हैं. और इसी लेन में लेफ़्ट साइड पे ही मैम्बोस और टीटोज भी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है. इस लेन में आपको खाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन. एंड अलॉन्ग विद दैट, जो पार्टी के लोग, पार्टी करने के लिए गोवा आ गए ना, जो उनके लिए टीटोज इज़ लाइक मस्ट विज़िट. और जैसे इस लेन के एंड में ये ख़त्म होता है टीटोज के बाद, तो वहीं पर बागा बीच स्टार्ट हो जाता है. लाइक अभी मैं जस्ट अंदर एंटर कर रही हूँ बागा बीच के, और यहाँ पे दूर से ही आपको लाइटिंग दिखने लग जाती है कि कितनी अच्छे से सजाया हुआ है पूरे बागा बीच को. लाइक बहुत सारी एंट्रेंस है इसकी छोटी छोटी, डिपेंड करता है कि आप कौन सी एंट्रेंस से जा रहे हो. लाइक अगर मैं जिस एंट्रेंस से अभी जा रही हूँ, इस पे राइट हैंड साइड पे ही आपको बहुत सारे शैक्स दिख जाएंगे. एंड लाइटिंग ही है यहाँ पे जिसकी वजह से जो है मैं देख पा रही हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा अंधेरा है. जो शैक्स की लाइटिंग है उसी से ही कुछ दिखने वाला है, अदरवाइज आपको कुछ और नहीं दिखेगा. और बहुत सारे लाइट वाले मटेरियल आपको देखेंगे इस टाइम पे. डाइन इन भी है यहाँ पे और बागा बीच आप दूर से ही देख सकते हैं. आई नो कि कैमरा फोकस लूज कर रहा है, आई ट्राई टू कैप्चर इट बट उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है. मैं थोड़ा सा दूर से ट्राई करके देखती हूँ अगर कैप्चर हो पाता है तो. हाँ, इसमें थोड़ा सा दिख रहा है बट देन आई नो, आई मीन कैमरा वो जस्टिफाई नहीं कर सकता है. यहाँ पे लाउड म्यूजिक, पार्टी और डाइन इन, ये छोटे छोटे टेंट्स लगे हुए हैं जैसे आप देख सकते हैं. इसमें हर एक टेंट में एक टेबल है जहाँ पे आप डाइन इन कर सकते हैं, यू कैन ऑर्डर ड्रिंक्स एंड ऑल दोस थिंग्स. और पार्टी इज लाइक ऑलवेज ऑन. सो नाइट लाइफ के लिए आई वुड से बागा इज अ मस्ट विजिट. एंड ये सारे के सारे शैक्स हैं ऑल अराउंड, इट्स लाइक अ 1 किलोमीटर स्ट्रेच और उस पर सारे शैक्स ही हैं. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे नाइट. आई मीन टुमारो आई गो टू कैलंगुट और मैं मिलती हूँ आपको कल कैलंगुट बीच पे. फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल श्री के ब्लॉग्स. दिस इज सृष्टि और आज मैं हूँ गोवा कैलंगुट बीच पे. यहाँ पे क्या है ना, अभी बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई टाइड है और इनफैक्ट वाटर स्पोर्ट्स भी बंद हो गए हैं. मैंने सोचा था कि वाटर स्पोर्ट्स करूँगी लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था वाटर स्पोर्ट्स. तो लाइक ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 4-5 दिन हो गए हैं आए हुए एंड आई जस्ट लव दिस प्लेस. और मेरा जो होटल है वो कैलंगुट बीच के बिल्कुल पास है, तो लाइक व्हेनेवर आई फील लाइक कमिंग तो मैं आ जाती हूँ यहाँ कैलंगुट बीच पे. अगर आप मुझसे पूछें या कंपैरिजन करें कैलंगुट और बागा का,
I think Baga is a one for parties and Calangute is a one मतलब कि day time में आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे. अगर night time और shacks की बात करें, I think Baga से अच्छा कोई और है ही नहीं. मतलब Baga जो है वो party mode beach है और Calangute is like a family time beach. वैसे तो ये एक ही है, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो stretch है 2-3 किलोमीटर का एक ही stretch है ये और पूरा का पूरा ये एक ही beach है. It's like उन्होंने दो part में इसको divide कर रखा है. But और ऊपर से Calangute beach, Baga beach, everything is like just amazing. तो फिलहाल अभी Calangute beach के बारे में मैंने बताया आपको, अभी हम चलेंगे Calangute beach के जस्ट बाहर ही. क्या Calangute beach की मार्केट है वो हम एक्सप्लोर करेंगे. तो Calangute beach की मार्केट में आपको मिल जाएंगे यूजुअली बीच वेयर्स, यहाँ पे सारी मार्केट्स में मिल जाते हैं और बहुत अच्छे प्राइस में मिलते हैं, लाइक 100-150 में. बीच वेयर्स, चप्पल्स हो गए, स्लीपर्स हो गए, एंड देन सन ग्लासेस हो गए, जो भी चीज़ें हम लोग बीच में यूज़ करते हैं ना वो सारी यहाँ पर मिलती हैं और बहुत अच्छे प्राइस पे. और कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के गिफ्ट्स आइटम वो सभी मिल जाती हैं. तो अभी हम चलेंगे Calangute मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे. इससे पहले कि मैं बाहर जाऊँ मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, मैंने सोचा कि अभी सनसेट होने ही वाला है तो वाई नॉट यू नो वी शुड एंजॉय सनसेट एंड देन गो आउट टू द मार्केट. मतलब आप कोशिश करें कि Calangute बीच पे सनसेट या सनराइज़ के टाइम पे अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा व्यू होता है. थोड़ा सा हाँ क्राउडेड भी होता है इस टाइम पर, क्योंकि सनसेट देखने बहुत सारे लोग आते हैं, सनराइज़ देखने कोई नहीं उठता है बिकॉज एवरीवन पार्टी स्टिल लेट नाइट और सुबह कोई नहीं उठता है. सनसेट के टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, स्पेशली Calangute इज़ यू नो मोर ऑफ फैमिली बीच, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फैमिली देखेंगे. सो आई थॉट कि थोड़ी देर सनसेट का और थोड़ा सा बीच का व्यू एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे बाहर मार्केट को देखने के लिए क्या क्या मिलता है, कैसा कैसा सामान. फॉर नाउ लेट्स जस्ट एंजॉय द व्यू. तो मैंने जस्ट अभी मतलब बोलेंगे क्या कि एक कदम Calangute के बाहर रखा है एंड यू कैन सी कि मार्केट शुरू हो चुकी है, टैटू स्टूडियो शुरू हो चुके हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था गोवा में टैटू स्टूडियो आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. एंड एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे बीच वेयर हैं और बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलते हैं. और जो हाल था कल टीटोज लेन का वही हाल आज Calangute वाली लेन का. ऑल दो वेन कम्पेयर टू टीटोज लेन, ये लेन बहुत ही ब्रॉड है और बहुत ही लंबी है, स्टिल इट विल बी ओवर क्राउडेड. आप किसी भी टाइम पे आओ, किसी भी सीजन में आओ, आपको ये लेन ऐसे ही क्राउडेड मिलने वाली है. बट द ओनली डिफरेंस इज कि टीटोज पे आपको मोर ऑफ यूथ क्राउड मिलता है और Calangute पे आपको मोर ऑफ फैमिली क्राउड मिलता है. मतलब इट्स अप टू यू कि आपने कौन से टाइम पे कहाँ पे जाना है. Like it's more of a daytime beach, Calangute. और Baga is more of a you know night time beach. और इस पर भी Calangute beach पर you will get lot of food options. यहाँ पर बहुत सारे लोग खाने के लिए आते हैं लाइक रात के टाइम पर. And this beach wear, I just love them because बहुत सस्ते प्राइस पर आपको मिल जाते हैं. And it's like 100-200 में यार और क्या मिलेगा, लाइक यू गेट वॉट यू पे फॉर. बट देन it's like it's good. Same with handicrafts and other options. There are various options like hats, caps, or garmi se bachne ke liye scarves and then sunglasses. Ye aise options hain jo aapko pure Goa mein jagah jagah pe milne wale hain. And I must say ki aapko zarur ye cheeze use karni chahiye. Aur yaar like in 100 rupees you get such a good variety of goggles. Like they are copper ones but then they are good.
सिमिलरली आपको बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट मिलने वाले हैं इफ़ यू वॉन्ट टू टेक समथिंग फॉर योर फ्रेंड एंड फैमिली. एंड बीच वेयर तो एक्सपेक्टेड है ही है हर जगह पे, लाइक हर दूसरी शॉप बीच वेयर की है. एंड देन इट इज़ वेरी चीप, मतलब चीप इन द सेंस कि बहुत सस्ते हैं और इट्स गुड टू हैव वन ऑफ देम. तो मैं जब भी आती हूँ, इट्स माई सेकेंड टाइम इन गोवा, लाइक मैं हमेशा कुछ ना कुछ खरीदती हूँ और लड़कियों की तो आदत होती है शॉपिंग करने की, एंड आई एम लाइक वन ऑफ देम. बट इट दे आर एक्चुअली गुड बाय द प्राइस दैट दे आर गिविंग यू. अगर यहाँ पे आप आ रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आप घर से ही कुछ धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन वगैरह लेके आए, बिकॉज किसी भी सीजन में आ जाओ, लाइक नवंबर दिसंबर जनवरी में आओगे तो भी यहाँ पे इतनी गर्मी होने वाली है. एंड दीज ड्रीम कैचर्स, मैंने जस्ट अभी एक ड्रीम कैचर लिया है. कहते तो इनको ड्रीम कैचर है, बट आई जस्ट लव देम बिकॉज दे आर वेरी कलरफुल और इनकी वजह से पूरी मार्केट लाइक बहुत कलरफुल और बहुत अच्छी लग रही है. तो फ्रेंड्स ये था कलंगुट बीच और कलंगुट बीच की मार्केट जो आपने देखी है अभी, बहुत ही सुंदर मार्केट है और मैंने भी कुछ कुछ शॉपिंग करी है यहाँ पे, मैं दिखाऊंगी आपको बाद में. लेकिन इट्स नॉट मतलब कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, लाइक हार्डली सन ग्लासेस हो गए, ऐसी चीज़ें ही ले सकते हैं यहाँ पे. तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से, इट्स नॉट लाइक मॉल काइंड ऑफ थिंग नहीं है कुछ भी, बस एक स्ट्रीट शॉपिंग ही है. जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा जो होटल है वो यहाँ से लाइक हार्डली 5 मिनट की वॉक पे है. तो अभी हम चलेंगे अपने होटल में, आपको दिखाती हूँ अपना होटल कैसा है क्या है. मेरे होटल से इनफैक्ट ये कलंगुट बीच दिखता है, सी व्यू है, इतना अमेजिंग व्यू है ना होटल से. मतलब मैं लिया ही होटल इसलिए था, ये सोचे कि चलो इतने ही पास है, एनी टाइम भी जाना है और व्यू भी है वो भी अच्छा है. अगर नहीं आ सकते हैं, आने का मन नहीं है, तो एटलीस्ट हम लोग वहीं से देख सकते हैं कलंगुट को. तो अभी चलते हैं मेरे होटल. कलंगुट बीच से कुछ ही कदम दूर हम पहुंच चुकी है अपने होटल पे. दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड, लाइक इस साइड से डू नॉट लुक लाइक ह्यूज, बट बहुत बड़ा होटल है. बट द ओनली प्रॉब्लम इज यहाँ पे आपको इंटरनेट और फ़ोन के सिग्नल नहीं आने वाले, क्योंकि बीच के बहुत ज़्यादा पास है, इट्स लाइक आई वुड से 20 कदम दूर है बीच के. अभी जस्ट मैं आपको ऊपर जाके दिखा देती हूँ कि ऊपर, क्योंकि रूम्स ग्राउंड फ्लोर पे लाइक देयर आर हार्डली एनी रूम्स, जो भी रूम्स है वो यहाँ पे, एंड कॉरिडोर से भी वी कैन सी द बीच. बट यहाँ से काफ़ी पेड़ वेड़ अड़ रहे हैं, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल गो अपस्टेयर्स एंड वहाँ से देखेंगे कि व्यू कैसा है. इट इज़ जस्ट अमेजिंग व्यू फ्रॉम अपस्टेयर्स, आई मीन छत से बहुत अच्छा व्यू दिखता है. यहाँ से थोड़े पेड़ वेड़ दिखते हैं, लाइक दिस इज द व्यू यू गेट टू सी फ्रॉम द टेरेस ऑफ माई होटल. यहाँ पे बैठ के सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, एंड आई जस्ट लव हैविंग ब्रेकफास्ट विद दिस व्यू. So that is it for today's video. I hope you like it, and if you do, please do like, share and subscribe to my channel. And till next video, bye bye.